डीजल की कीमतों और बारिश ने बढ़ाए सब्जियों के दाम। टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों को राहत, बीते एक हफ्ते से नहीं हुई बढ़ोतरी। सोमवार से शुरू हुई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बिक्री, 10 जुलाई तक मिलेगा सोने में निवेश करने का मौका। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मूडीज ने फिर जताई निराशा, कहा कोरोना को कंट्रोल किए बगैर पटरी पर नहीं आएगी इकोनॉमी। जून में 7 सालों के सबसे बेहतरीन मॉनसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी का अनुमान, शहरी इलाकों में पहली रिकवरी की बढ़ी उम्मीद। देश भर में बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड को देखते हुए एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियम में किया बदलाव, अब बिना ओटीपी के पैसे निकालना नहीं होगा मुमकिन। भारत में स्मार्टफोन बाजार के 81% हिस्से पर काबिज चीनी मोबाइल कंपनियों को लग सकता है झटका, एक सर्वे का दावा, 10 में से 4 लोग नहीं खरीदना चाहते चीनी मोबाइल। रियल एस्टेट सेक्टर में REIT ने 14% के साथ BSE के रियल्टी इंडेक्स को छोड़ा पीछे, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। सस्ते फोन कॉल और डेटा के दिन बीतने का अनुमान, अगले 18 महीने में फोन कॉल और डेटा की कीमतों में बढ़ोतरी का अंदेशा। रोजाना 5 GB डेटा के ऑफर के साथ BSNL ने Jio Airtel के मुकाबले उतारा सबसे किफायती प्लान, ₹599 में होगा रिचार्ज।